जय जिनेंद्र दोस्तों, आइए सुनते हैं आज के वीडियो में कुछ प्रश्न उत्तर। कौन कौन से जीव त्याग नहीं करते हैं, पांचवा गुणस्थान नहीं लेते? तो अरिहंत भगवान, चक्रवर्ती, देवता, नरक के जीव व युगलिया, ये पांचवा गुणस्थान नहीं लेते। अरिहंत भगवान और चक्रवर्ती सीधे चौथे गुणस्थान से दीक्षा लेते हैं और सातवें में आते हैं और श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जो चक्रवर्ती दीक्षा नहीं लेते हैं उनकी गति नरक है, यानी कि दीक्षा लेकर के चक्रवर्ती निश्चित ही मोक्ष में जाएंगे और अगर दीक्षा नहीं ली तो उनकी गति नरक है। इन दो गति के अलावा तीसरी गति चक्रवर्ती की होती नहीं है। फिर है देवता, युगलिया व नरक के जीव त्याग कर सकते हैं क्या? ये जीव त्याग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनमें एक से चार गुणस्थान तक ही पाया जाता है, आगे के नहीं। त्याग कौन से गुणस्थान से प्रारंभ होते हैं? पांचवे से प्रारंभ होते हैं तथा चौदह तक चलते हैं। श्रावक में कौन सा गुणस्थान पाया जाता है? तो श्रावक में पांचवा गुणस्थान पाया जाता है, देशविरत श्रावक गुणस्थान। श्रावक कितने प्रकार के होते हैं? गति की अपेक्षा श्रावक दो प्रकार के होते हैं, मनुष्य और तिर्यंच श्रावक। तिर्यंच श्रावक में जैसे कि चंडकोशिक सर्प, नंदन मणियार आदि। चंडकोशिक सर्प कौन से देवलोक में गए? तो चंडकोशिक सर्प आठवें देवलोक में गए। कौन से पिता व पुत्र नरक में गए? श्रेणिक महाराज पहली नरक में व उनका पुत्र कौणिक छठी नरक में गए। सीता माता साध्वी बनकर कौन से देवलोक में गई? सीता माता साध्वी बनकर बारहवें अच्युत देवलोक की इंद्र बनी। रावण, लक्ष्मण और रावण का भांजा संभुक कौन सी नरक में गए? तो ये तीनों चौथी नरक में विराजमान हैं। रावण, लक्ष्मण तथा सीता जी भविष्य में क्या बनेंगे? अगले भावों में सीता जी का जीव चक्रवर्ती बनेगा, रावण व लक्ष्मण दोनों उनके बेटे बनेंगे और आने वाले अगले भावों में रावण तीर्थंकर बनेंगे और सीता जी का जीव उनका गंधर्व बनेगा, दोनों मोक्ष में पधारेंगे। लक्ष्मण जी का क्या होगा? कुछ भावों के बाद लक्ष्मण जी महाराज भी तीर्थंकर बनेंगे और वहां से मोक्ष में पधारेंगे। रावण व लक्ष्मण जी का जीव नरक में क्यों गए? लक्ष्मण जी वासुदेव तथा रावण प्रति वासुदेव के पद पर थे। ये 63 श्लाका पुरुषों में होते हैं, ये निदान करके आते हैं इसलिए दीक्षा ले नहीं सकते और निश्चित ही इनकी गति नरक है। बलदेव की गति क्या होती है? बलदेव वासुदेव की मृत्यु के बाद निश्चित ही दीक्षा लेते हैं, पद छोड़ते हैं, अतः या तो ये मोक्ष में पधारते हैं या देवता बनते हैं। इनके अलावा बाकी तीनों गतियों में ये जा नहीं सकते। तिर्यंच श्रावक ज़्यादा होते हैं या मनुष्य? मनुष्य श्रावक तो थोड़े से ही हैं क्योंकि मनुष्य अढ़ाई द्वीप के अंदर ही पाए जाते हैं, किंतु तिर्यंच अढ़ाई द्वीप से बाहर असंख्यात द्वीप समुद्रों में भरे पड़े हैं, अतः तिर्यंच श्रावक ज़्यादा हैं। क्या मछलियाँ, मगरमच्छ आदि समुद्र में भी सामायिक कर सकते हैं? हाँ, अवधि ज्ञान होने पर जल में भी मछली, मगरमच्छ आदि सामायिक कर सकते हैं। 48 मिनट के लिए एक जगह स्थिर रहकर ये सामायिक करते हैं, श्रावकपना पालते हैं, ऐसा आगमों में आया है। अगर आपको मेरा ये प्रश्नोत्तरी का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।